मैं शशि रतन आप लोगों को आज हिंदी व्याकरण से संबंधित अलंकार पढ़ाऊंगी। इस सत्र में आपको मैं हिंदी अलंकार से संबोधित करते हुए ये बातें बताने जा रही हूँ कि अलंकार है क्या। अलंकार का अर्थ होता है सुंदरता, सजावट। जब एक नारी सफेद वस्त्रों में लिपटी होती है तो वो सुंदर नहीं दिखती है, लेकिन जैसे ही वो अपने सुंदर वस्त्रों आभूषण को धारण करती है तो वो स्त्री सुंदर दिखने लगती है, वो स्त्री सज जाती है। सजावट के कारण ही उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, वो स्त्री अलंकृत कहलाती है। ठीक वैसे ही हमारे कवि, हमारे लेखक जब काव्य बनाते हैं या कोई लेखन करते हैं तो अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए वो अलंकृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, और अलंकृत शब्द के कारण उनके काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है। और जो भी पाठकगण हैं, जो भी इस पाठ को पढ़ते हैं, अपने काव्य को पढ़ते हैं, वो रस से भर जाते हैं और रस की उत्पत्ति उनके अंदर होती है। तो सबसे पहले अलंकार के का मतलब होता है सुंदरता, सजावट, श्रृंगार। अलंकार के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है ये जानना हमें ज्यादा जरूरी है। शब्दालंकार का अर्थ होता है शब्दों की सुंदरता। जहां शब्द में सुंदरता उत्पन्न होती है वो शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं, पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों शब्दालंकार के ही भेद हैं, और इसमें शब्द में चमत्कार उत्पन्न होगा और शब्द में चमत्कार उत्पन्न होने के कारण इसमें सुंदरता उत्पन्न होगी। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति के कारण सुंदरता उत्पन्न होती है। जहां वर्णों की आवृत्ति के कारण सुंदरता उत्पन्न होती है वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे तरणी, तनुजा, तत, तमाल, बहुछाए। तरणी, तनुजा, तत, तमाल, बहुछाए अर्थात तरणी त, तनुजा त, तत त, तमाल त। आप देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार कहता है जहां वर्णों की आवृत्ति के कारण सुंदरता उत्पन्न होती है, और यहां पर त वर्ण प्रथम, त वर्ण प्रथम, त वर्ण प्रथम, त वर्ण प्रथम, यानी कि कविता बनाने वाले कवि ने हर प्रथम वर्ण को त से अलंकृत किया है। अर्थात यहां पर त वर्णों की आवृत्ति के कारण सुंदरता उत्पन्न हुई है। तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति के कारण सुंदरता उत्पन्न हुई है। दूसरा उदाहरण मैं एक और देना चाहूंगी, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें, चारों चंद्र की चंचल किरणें। आप देख सकते हैं कि यहां भी च, च और च एक प्रथम वर्ण में काव्य में च, च, च वर्ण की आवृत्ति उत्पन्न हुई है। अर्थात यहां भी प्रथम वर्ण एक ही समान है जिस तरह से यहां था। तो च और त देख रहे हो कि हर एक प्रथम शब्द में वो प्रथम वर्ण
सुंदरता उत्पन्न हुई है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में भी शब्दों में सुंदरता उत्पन्न होगी। जिस तरह से हम शब्दालंकार पढ़ रहे हैं और शब्दालंकार के ही भेद के अंतर्गत हमने प्रथम वेद में देखा अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत कि वर्णों की आवृत्ति के कारण सुंदरता उत्पन्न हुई है, यहाँ भी शब्द में सुंदरता आएगी और उससे यमक अलंकार में शब्द में ही सुंदरता उत्पन्न होगी। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी दो शब्द आए हैं, काली घटा घमंड घटा। यहां पर घटा और घटा दो बार आए हैं और दोनों बार में उनके अर्थ में सुंदरता उत्पन्न हुई, उसमें सुंदरता उत्पन्न हुई। जैसे काली घटा, अगर काली शब्द के साथ ये घटा आया है तो इस घटा का अर्थ हो गया बादल, और दूसरा में घमंड घटा अर्थात घमंड घट गया तो यहाँ कम, इस घटा का अर्थ हो गया कम होना, कम। काली घटा अर्थात बादल, घमंड घटा अर्थात कम हुआ। तो यहाँ पर यमक अलंकार कहता है कि जहां एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार उनके अर्थ में सुंदरता उत्पन्न होती है वो यमक अलंकार कहलाता है। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का क्या अर्थ है? श्लेष अलंकार का अर्थ है कि एक ही शब्द के साथ अनेकों अर्थ चिपके होते हैं। जहां एक ही शब्द के साथ अनेकों अर्थ चिपके होते हैं वो श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे मिस्टर जगदीश, आप पर जगदीश की कृपा है। इस वाक्य में आप, पूर्ण वाक्य में आप देख सकते हैं कि मिस्टर जगदीश, आप पर जगदीश की कृपा है, अर्थात जगदीश जो शब्द है इसके साथ अनेकों अर्थ चिपके हुए हैं। पहला जगदीश एक व्यक्ति विशेष का नाम है और दूसरा जगदीश अर्थात भगवान। तो इस तरह के जहां पे शब्द आते हैं उनके साथ अनेकों अर्थ चिपके होते हैं वो श्लेष अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो शब्द अलंकार में यहाँ सारा आपने अनुप्रास पढ़ा, यमक पढ़ा या श्लेष पढ़ा, इन सब में आपको शब्दों में ही सुंदरता देखने को मिली है। पहले अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति के कारण सुंदरता उत्पन्न हुई है, दूसरे यमक में एक ही शब्द दो बार आए हैं और दोनों बार उनके अर्थ में सुंदरता उत्पन्न हुई है, और तीसरा है श्लेष, इसमें भी शब्द में ही सुंदरता है क्योंकि एक ही शब्द के साथ अनेकों अर्थ चिपके हुए हैं। अब हम अलंकार के दूसरे भेद के अंतर्गत आते हैं। अलंकार का दूसरा भेद है अर्थालंकार। यहाँ पर शब्द में सुंदरता उत्पन्न हुई है और यहाँ अर्थ में सुंदरता उत्पन्न हुई, यानी अर्थालंकार में अर्थ में सुंदरता छुपी होती है और जहां अर्थ में सुंदरता छुपी हुई है वो अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार के निम्नलिखित चार भेद होते हैं। पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा है मान्यकरण। उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार में किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के साथ कराई जाती है वो उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की सुंदरता की अगर हमें बड़ाई करनी है तो हम इस तरह से संबोधित करते हैं, वाह आपका मुख चांद के समान सुंदर है। अर्थात हमने एक व्यक्ति की सुंदरता की तुलना एक विशेष
मुख चांद के समान सुंदर है। तो सीता की सुंदरता की बढ़ाई हमने विशेष चांद से की है, वो उपमा अलंकार हो गया। उपमा अलंकार के भी चार रूप हैं, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण विषय। सबसे पहले उपमा, उपमेय, उपमेय क्या है? उपमेय यानी कि जिसकी सुंदरता की बढ़ाई की जाती है, उपमान जिससे कराई जाती है, वाचक शब्द जोड़ने का कार्य करता है और साधारण धर्म अर्थात सुंदरता यानी कि सीता का मुख चांद के समान सुंदर है। सीता का मुख चांद के समान सुंदर है। यहां पर आप देख सकते हो कि सीता यानी कि इसकी तुलना की गई है उपमेय चांद से, उपमा दी गई है ये उपमान। इन दोनों की तुलना, सीता की तुलना चांद से की गई है और चांद और सीता में समान धर्म होता है सुंदर और इनको जोड़ने का काम के समान, ये है वाचक शब्द। तो उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। आज के लिए मैंने आपको उपमा तक संबोधित किया है। अब आगे के क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी कि रूपक अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा क्या है और मान्यकरण क्या है।